फ्रेंड्स, मैं अंकुर, मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनाइटेड एग्जाम पर। आज के इस वीडियो में हम ज्वाइंट इंडियन आर्मी भारतीय सेना की जो 90 सबसे बड़ी पोस्ट भर्ती होंगी उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें और इस वीडियो में आपको बताऊंगा एप्लीकेशन फीस कितनी है, एज लिमिट कितनी है, एलिजिबिलिटी कितनी है, सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिए। तो ये जो वैकेंसी निकल के आई है ज्वाइंट इंडियन आर्मी भारतीय नौसेना की तरफ से निकल के आई है और ये 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम होगी और ये कोर्स TES-44 रिक्वायरमेंट 2020 की होगी। और जो इसकी इम्पोर्टेंट डेट होगी वो है एप्लीकेशन बिगिन, यानी 10 अगस्त 2020 से इसमें एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे और जो इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की होगी वो जल्दी आपको बता देगी। नोटिफिकेशन सून लिखा है और जिसका एडमिट कार्ड होगा वो जल्दी अवेलेबल हो जाता है। अब बात आती है इसकी एप्लीकेशन फीस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो एप्लीकेशन फीस होगी वो जनरल और ओबीसी के लिए 0 होगी, एससी और एसटी के लिए 0 होगी और नो एप्लीकेशन फीस फॉर ऑल कैटेगरी कंडीशन एंड अप्लाइड द ऑनलाइन फॉर्म TES-44। यानी किसी भी जनरल ओबीसी एसटी एससी जनरल किसी के लिए भी कोई फीस नहीं लगी, यानी आप वो फ्री में इसका ऑनलाइन कर सकते हैं। अब इसकी एलिजिबिलिटी की बात आती है, एलिजिबिलिटी में ओनली अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल, यानी जो जितने भी अविवाहित लोग और जो पुरुष हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जिसमें 10th+12th यानी जो भी पार्टिसिपेट करेगा वो इंटरमीडिएट कम से कम 70% से पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के सब्जेक्ट से, पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के सब्जेक्ट से 70% अधिक परसेंटेज से पास होना चाहिए। और इसकी जो एज लिमिट है वो है मिनिमम एज है 16 साल 6 महीने यानी 16.5 साल और मैक्सिमम एज है 19.5 साल। और इसकी जो वैकेंसी डिटेल्स हैं वो टोटल 90 पोस्ट हैं और टेंटेटिव है, मतलब टेंटेटिव का मतलब ये होगा कि इसकी जो पोस्ट है वो घटाई भी जा सकती है बढ़ाई भी जा सकती है, लेकिन आमतौर पर अगर देखा जाए तो इसकी पोस्ट घटेगी नहीं बल्कि बढ़ सकती है, यानी इसके 90 पोस्ट हैं इससे आगे बढ़ सकती है। और ये हाउ टू अप्लाई, इसको आपको अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए आपको पहले सारे नोटिफिकेशंस क्लियर कर लेने हैं, आपको जितने भी नोटिफिकेशंस हैं इसको आपको रीड कर लेने हैं। और इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी में आईडी प्रूफ चाहिए, एड्रेस डिटेल चाहिए और बेसिक डिटेल्स चाहिए और रिक्वायरमेंट जिसमें इसमें चाहिए एक फोटो चाहिए, साइन चाहिए, आपकी आईडी प्रूफ चाहिए, बस इतनी चीज़ें आपको इसके चाहिए। और आप इसके ऑनलाइन कर सकते हैं 10 अगस्त 2020 से आप ऑनलाइन कर सकते हैं, इसकी लास्ट डेट अप्लाई की नहीं आई है। तो अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ ही आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।